विष्णु करे, जन्म 1940, मृत्यु 2018। विष्णु करे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उन्होंने दैनिक इंदौर समाचार में उपसंपादक रहे। मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्ययन से जुड़े रहे। इसी बीच लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात साहित्य अकादमी में उपसचिव पद पर पदासीन रहे। नवभारत टाइम में प्रभावी कार्यकारी संपादक के पद पर कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारी नवभारत टाइम्स हिंदी का और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन कार्य से जुड़े रहे। जयपुर नवभारत टाइम के संपादक के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। अब स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कार्य में रत हैं। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का आरंभ 1956 से हुआ। पहला प्रकाशन टीएस इलियट का अनुवाद मरुप्रदेश और अन्य कविताएं। दूसरा कविता संग्रह एक गैर रोमानी समय में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह खुद अपनी आंखों से। चौथा संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में। पांचवा पिछला बाकी तथा छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया है। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। धन्यवाद।